हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी या जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ऑब्जेक्टिव रूप में। तो इसमें अभी तक हम लोग 300 क्वेश्चंस ख़त्म कर चुके हैं, आज बात करेंगे 301 से। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो आपको बता देना है, हार्वे ने। क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है दूसरा, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध आपका हृदय से है। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो ये आपका हृदय से। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है चार, क्या है क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो याद रखना है, धमनी। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका पांचवा, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय आपका रक्तदाब घट जाता है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है छठवा, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो याद रखना है, 0.8 सेकंड। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है छठवा, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है? स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तो आपको याद रखना है, 72वां। क्वेश्चन है आठ, क्या है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो याद रखना है, चार। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है नौ, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो याद रखना है, धमनी से। क्वेश्चन है दस, शरीर की विशालतम धमनी है, शरीर की विशालतम धमनी है आपकी एरोटा। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 11, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 10, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये होता है आपका किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में। क्वेश्चन है हमारा 13, क्या है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 14, क्या है, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल जो रंग है ये निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आपको बता देना है, हीमोग्लोबिन। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 15, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। क्वेश्चन है हमारा 16, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो याद रखना है, आरबीसी का। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 17, हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो याद रखना, ऑक्सीजन लेना ले जाना। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 18, क्या है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो याद रखना, लोहित कोशिकाओं को।
कोशिकाएं द्वारा? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 19, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है आपका पीलिया, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 20, मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। क्वेश्चन है हमारा 21, क्या है? उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, क्या होता है? इसमें होता है आपका कैल्शियम, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 22, क्या है क्वेश्चन नंबर? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 23, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो याद रखना है लोहा की कमी से, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 24, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान है तत्व है कैल्शियम, अगला क्वेश्चन है हमारा 25, क्या है? मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है जबड़ा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में सौ स्पंदन का गुण पाया जाता है? तो याद रखना हृदय, क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 27, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो याद रखना लैक्टिक अम्ल के कारण, ए ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन है हमारा 28, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो आपको याद रखना है आंख का। क्वेश्चन है 29, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में आंख का कॉर्निया वाला हिस्सा दान किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा 30, क्या है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो यह है आपका आईरिस, आईरिस बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 31, क्या है क्वेश्चन? आग के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यह है आपकी रेटिना पर। क्वेश्चन है हमारा 32, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपयुक्त होते हैं कौन से? क्वेश्चन 33, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। क्वेश्चन है हमारा 34, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो याद रखना है तलुए पर। क्वेश्चन है हमारा 35, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है चमड़ा। क्वेश्चन है 36, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा क्या है 37, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस,
एपिडर्मिस, सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो याद रखना दंत वल्क, ए ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन है हमारा 39, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो यह आपका लाइसोजाइम, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 40, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो यह आपका मस्तिष्क, गुर्दा का प्रत्यारोपण किया जा सकता है, फेफड़ा का, हृदय का, लेकिन मस्तिष्क का नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन है हमारा 41, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो यह आपका यकृत, डी ऑप्शन। क्वेश्चन है 42, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? किसी प्राणी के शरीर के समस्त भाग का अधिकांश भाग होता है जल, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 43, मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है? तो याद रखना ओ, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है? ओ। क्वेश्चन है 44, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको बता देना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन है हमारा 45, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 46, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है 120/80। क्वेश्चन है हमारा 46वां क्वेश्चन गलत है, इसमें ये ऑप्शन दिए हैं ये गलत हैं। आपको क्या याद रखना है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36 डिग्री, कितना, 36.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 58.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। तो याद रखना है 36.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, ठीक है। क्वेश्चन है 47, इस तरह अगर आप कोई क्वेश्चंस उसका आंसर देने में गलती हो जाती है मुझसे, तो आप लोग सही उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिएगा, ठीक है, उससे दूसरे को सही आंसर मिले। क्वेश्चन है 47, रक्त शुद्ध करने वाला अंग है विक। क्वेश्चन है हमारा 48, मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4। क्वेश्चन है हमारा 49, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो याद रखना मस्तिष्क, क्या है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 50, मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 4। क्वेश्चन है 51, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए बी, सर्वग्राही आपका ए बी ग्रुप होता है। क्वेश्चन है हमारा 52, क्या है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक यानी कि 24 है? तो याद रखना मानव में। क्वेश्चन है 53, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन, सी ऑप्शन
सही है। क्वेश्चन है हमारा 54, मानव शरीर में प्रच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो याद रखना, वेदांत, वेदांत। क्वेश्चन है हमारा 55, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन का की औसत दर होती है? तो आपको याद रखना, 72। क्वेश्चन है हमारा 56, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो याद रखना, 7% के लगभग। ठीक है। क्वेश्चन है 57, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो आपको बता देना है, CA की, कैल्शियम। क्वेश्चन है हमारा 58, क्या है? यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन है आपका 59 अगला, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? तो याद रखना, थाइरोक्सिन में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 60, निषेचित अंडाणुओं के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? ये आपका एस्ट्रोजन। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला 61, क्या है क्वेश्चन नंबर? मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में पेशियों की संख्या 639 होती है। कितनी? 639। क्वेश्चन है हमारा 62, क्या है क्वेश्चन? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो याद रखना है, 31। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 63, प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखना, कशेरुक रज्जु में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 64, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है? संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है आपका सागर। क्वेश्चन है हमारा 65, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है? अपरदन। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 66, हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रो फाइट कहते हैं, तो याद रखना, एक जलीय पौधे को। क्वेश्चन है हमारा 67, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो ये आपका करील। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 68, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? तो याद रखना, वायु। क्या है? वायु। क्वेश्चन है हमारा 69, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो याद रखना, हरे पौधे। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 70, एपिफाइटस बहुत अधिक विकसित होती हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं? तो याद रखना, यांत्रिक मदद हेतु। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 71, क्या है? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, जोरोफाइटस। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 72, पारिस्थितिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो ये थे आपके ग्रीन नेल्स ने। क्वेश्चन है हमारा 73, क्या है?
स्थायी पारितंत्र है, तो याद रखना समुद्र, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 74, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणविद पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त, तो ये आपका कार्बनिक कृषि। क्वेश्चन है हमारा 75, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, याद रखना नीम, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 76, क्या है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, वायुमंडल में ओजोन उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अंटार्कटिका के ऊपर। क्वेश्चन है 77, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है तटरेखा में परिवर्तन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 78, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक। क्वेश्चन है हमारा अगला 79, ऊर्जा किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, सौर, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 80, निम्नांकित में से कौन सा अधिकतम प्रदूषण का कारण है, तो यह आपके जेट उड़ान। क्वेश्चन है 81, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो याद रखना डर्मेटोलॉजी, ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन है हमारा 82, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखना ये आपकी ऑस्टियोलॉजी, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 83, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, तो याद रखना इम्यूनोलॉजी। क्वेश्चन है हमारा 84, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, सीरोलॉजी, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 85, मछलियों से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी। क्वेश्चन है हमारा 86, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं अनुवांशिकी, क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। क्वेश्चन है हमारा 87, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारने कहलाता है यूथेनिक्स, क्या कहलाता है, यूथेनिक्स। क्वेश्चन है हमारा 88, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। क्वेश्चन है हमारा 89, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखना अनुवांशिकता एवं गुण का। क्वेश्चन है हमारा 90, क्या है क्वेश्चन, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है, तो याद रखना शरीर संरचना और वातावरण। क्वेश्चन है हमारा 91, जनसंख्या के अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। क्वेश्चन है हमारा 52,
रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये थे आपके पाश्चर। क्वेश्चन है हमारा 93। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो याद रखना लिस्टर, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 95, सॉरी 94। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? तो ये थे आपके वाटसन। क्वेश्चन है हमारा 95। रक्त समूह का आविष्कारक है? तो याद रखना लैंड स्टीनर। क्वेश्चन है हमारा 96। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे आपके डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड, बर्नार्ड, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 97। क्या है क्वेश्चन? एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े थे? तो याद रखना चेचक, किससे? चेचक रोग से। क्वेश्चन है 98। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये थे आपके डार्विन। क्वेश्चन है हमारा 99। हिस्टोलॉजी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना मेयर ने, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 400। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो ये आपके एपिथीलियमी ऊतक, ए ऑप्शन सही है। तो ये थे आपके 400 क्वेश्चंस। 401 से हम लोग आगे बात करेंगे।